आज मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछने वाला हूं कि सिजेरियन डिलीवरीज यानी कि ऑपरेशन से होने वाली बच्चों की संख्या आज के जमाने में क्यों बढ़ती जा रही है। ये बड़ा सवाल है और एक बड़ा कंसर्न भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो नॉर्मल डिलीवरीज हो जाती थी, अभी ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन भी क्यों हो रहे हैं। तो इसी सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा। हालांकि देखिए, जो सिजेरियन डिलीवरी है वो कई बार लाइफ सेविंग भी हो सकती है, बट क्या सारी सिजेरियन डिलीवरीज लाइफ सेविंग ही होती है? उसके पीछे की कोई और कारण भी है। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, समझ लेते हैं कि भी सिजेरियन डिलीवरी होती क्या है। तो नॉर्मली वजाइनल डिलीवरीज होती हैं, जिसको नॉर्मल डिलीवरी, नेचुरल तरीके से जब डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, उसको वजाइनल डिलीवरी कहते हैं। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन या किसी दूसरे कारण से जो डिलीवरी है वो नॉर्मल ना हो या नॉर्मल ना की जाए, और माँ के पेट के नीचे के हिस्से में एक चीरा लगा के और उसके नीचे फिर बच्चेदानी में यानी कि यूट्रस में भी चीरा लगा के अगर ये डिलीवरी पेट से या पेट के थ्रू की जाए, वहां से बच्चे को डिलीवर किया जाए, तो इसको हम सीजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन या ऑपरेशन से होने वाली डिलीवरी के नाम से जानते हैं। इसके देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण जो आज की डेट में है वो ये है कि अब लोग इसको इलेक्टिव तरीके से कराने लगे हैं। कुछ ऐसे भी सी सेक्शन होते हैं जो मुहूर्त सर्जरी कहलाती हैं, यानी कि हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर डेट पे, पर्टिकुलर समय पे ही ये बच्चा पैदा कराना है, तो उस समय एक इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन कराया जाता है। प्रेग्नेंट बहन को, लेडी को उस समय अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और ठीक उसी समय का समय जो है वो चूज कर लिया जाता है। डॉक्टर उसी समय इंसिजन लगा के डिलीवरी करा देता है। दूसरा होता है कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि नहीं भी हमें लेबर पेंस बर्दाश्त नहीं होंगे, तो लेबर का दर्द है, क्योंकि बच्चा पैदा करना बहुत ही देखिए दर्द भरा काम है, बहुत ज्यादा पेन आते हैं। ये कहते हैं कि इतना दर्द तब भी नहीं होता जब हड्डी टूटती है, लेकिन देखिए जमाने से बच्चे नॉर्मल पैदा होते आ रहे हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं, नेचुरल प्रोसेस होता है। लेकिन उस दर्द से बचने के लिए आजकल पेनलेस डिलीवरीज का भी चलन चला हुआ है, जिसमें ये सिजेरियन सेक्शन किए जाते हैं और उसके साथ कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, जिससे जो लेडी है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको दर्द नहीं होता है और जो है बच्चा वो डिलीवर हो जाता है। तीसरा जो एक कारण है बड़ा, वो है बढ़ती एज में होती शादियां, डिलेड डिलीवरीज और साथ ही साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन यानी कि बीमारियां भी। अब अगर किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, थायराइड की बीमारी है, अगर इस तरह की बीमारियां हैं, तो एज भी बढ़ गई है, आप 30s में आ गए हैं, तो भी रिस्क बढ़ जाता है सिजेरियन डिलीवरीज का। तो फिर डॉक्टर उस समय आपको सिजेरियन सर्जरी करने का सलाह देता है। ऐसा नहीं है कि इस एज में सारी ही डिलीवरी सिजेरियन होंगी, नॉर्मल डिलीवरीज भी होती हैं। लेकिन उसके दूसरे कारण होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस हो जाए डिलीवरी में, माँ की हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, माता को खतरा हो कि भी नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो माता की हेल्थ उस तरह की नहीं है, तो सीजरियन डिलीवरी का डिसीजन लिया जाता है। उसके अलावा जो दो तीन मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जिसमें कई बार देखिए फीटल डिस्ट्रेस अगर हो जाता है, बच्चे की धड़कन जो है वो बहुत तेज हो जाती है या कम होने लगती है, कई बार बच्चा जो है पेट के अंदर ही जो है जिसको कहते हैं ना वो मल खा जाता है, उस कंडीशन में भी बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस से या और कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए इमरजेंसी सर्जरी की जाती है। तो कुछ इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं, दूसरी इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन होते हैं, जो मेडिकल कंडीशंस या कॉम्प्लिकेशंस के कारण होती हैं, वो इमरजेंसी सर्जरीज होती हैं। कई बार बच्चे की गर्दन पे जो है ना वो आवल नाल, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो लिपट जाती है, इससे फिर बच्चे के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है, तो ये भी एक इमरजेंसी सर्जरी की जाती है। कई बार जो बच्चे की पोजिशन है और बच्चे के पैर या हिप्स नीचे होते हैं, तब भी आपको सिजेरियन सर्जरी के ही द्वारा सर्जरी करा डिलीवरी करानी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से होने के चांसेस ही नहीं होते हैं, या फिर बच्चे की जान को इवन माँ की जान को दोनों को खतरा हो सकता है। एक और कंडीशन होती है कि प्लेसेंटा अंदर होता है, जो बच्चे की आवल नाल और माँ के यूट्रस से लगा होता है एक प्लेसेंटा, इतनी बड़ी एक स्ट्रक्चर होती है जिससे बच्चे का भोजन वगैरह आता है माँ से, जिससे आवल कोड लगी होती है एक तरफ और दूसरी तरफ बच्चे की नाभि से लगी होती है। तो अगर ये प्लेसेंटा जो है नीचे आ जाए, यानी कि वो रास्ते में आ रहा हो, जिससे रास्ता छोटा आ जाए और नॉर्मल डिलीवरी ना हो, या ये प्लेसेंटा रप्चर हो जाए या हट जाए, डिटैच हो जाए, तो इस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी करने की जरूरत पड़ती है। एक और भी है, क्योंकि कुछ मेडिकल प्रैक्टिस में भी ऐसा हो गया है, कुछ प्रोफेशनल जो है वो अपना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि इसमें इनकम भी ज्यादा होती है सिजेरियन में, तो आप एक सिजेरियन हार्डली 15-20 मिनट में कर लेते हैं, उसके बाकी नर्स और डॉक्टर संभालते रहते हैं, वो गायनोकोलॉजिस्ट भी दूसरा सिजेरियन करने चला जाता है। लेकिन एक नॉर्मल डिलीवरी को करने के लिए आपको लेबर पेन का इंतजार करना पड़ेगा, घंटों का समय लगेगा, तो ये भी एक कारण है। कहीं कहीं जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो अपना समय बचाने के लिए भी इस तरह के सजेशंस देते हैं और माँ बाप मानते हैं। तो खैर, हमने दोनों तरह की बात कर ली कि इलेक्टिव क्या होता है और इमरजेंसी सिजेरियन
सर्जरीज क्या होती है, आपात करते हैं कि देखिए इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, क्या इसके बाद कुछ नुकसान हो सकता है। जी हाँ, देखिए इसके कई सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। एक तो देखिए इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो इंसीजन लगा है इंसीजन मार्क आएगा और अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए तो हीलिंग बहुत देर से होती है, सेकेंडरी हीलिंग होती है तो वो थोड़ा सा बदनुमा भी लगता है। दूसरा देखिए, अगर कोई इंसीजन गलत लग जाए तो उसमें दूसरी इंजरीज भी हो जाती है, कई बार ब्लैडर को इंजरी हो जाती है, कई बार आसपास की और दूसरी स्ट्रक्चर को इंजरी हो सकती है, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो ये एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उसके अलावा देखिए जो कॉम्प्लिकेशन होता है बाद में, कभी देखिए आप जब दूसरी प्लान करते हैं प्रेगनेंसी तो फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं, फिर आपको फिर से इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन की तरफ ही जाना पड़ता है, तो ये भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन है, कई बार जो इंसीजन है वहाँ से इंसीजनल हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर उसका भी करेक्शन जो है वो सर्जरी के द्वारा किया जाता है, इमिडिएट नहीं होता है, बहुत बाद में होता है, तो उसके अलग अलग कारण है, मैंने एक वीडियो बनाया था तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल आपको दे दूंगा। उसके अलावा जो ये सिजेरियन डिलीवरीज है वो आपको नशे की दवाई देके, एनेस्थेसिया देके की जाती है, कई बार लंबर सीजन में पीछे से एक इंजेक्शन देने से ही हो जाता है लेकिन उसमें दवाई जाती है, तो इन दवाइयों के भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो इनके रिएक्शन भी हो सकते हैं, तो ये भी कई बार कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं। कुछ केसेस में बहुत रेयर है, कई बार पेशाब देर से आता है, 24 घंटे 48 घंटे पेशाब रुक जाता है, और भी बहुत सारे इस तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं सर्जरी के बाद, तो इनको आप ध्यान रखें। अगर आपकी सर्जरी सिजेरियन हुई है पूरा पूरा ध्यान रखें और अर्ली एम्बुलेशन करें, आप जितना जल्दी चलेंगे 24 घंटे बाद अगर मूवमेंट करना शुरू कर देंगे तो फिर ये जल्दी से आपका जो यूट्रस है वो नॉर्मल पोजिशन में आ जाता है, हीलिंग फास्ट होती है। इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखें, जो ड्रेसिंग कराएं वो एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग ही कराएं और दूसरे इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशन से, खतरे से अपने आपको बचा के रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ऐसा नहीं है कि सारे ही सिजेरियन सिलेक्टिव होते हैं, डॉक्टर जानबूझ के करते हैं, 90% केसेज में जो है वो डॉक्टर मेडिकल कंडीशंस के कारण ही सिजेरियन डिलीवरीज करता है माँ और बच्चे की जान को बचाने के लिए, कुछ केसेस में माँ बाप खुद सेलेक्टिव या इलेक्टिव डिलीवरीज कराते हैं। तो ये कुछ कारण थे, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जन दोस्तों को शेयर करें सो दैट वो देख के इसका फायदा उठा पाए, और बेल आइकन का बटन भी दबा लें सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।